नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त होम रेमेडी लेकर के आया हूं, जिसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को बेहद गोरा, ब्राइट और फेयर कर पाएंगे। अगर बहुत सारे क्रीम्स, पाउडर्स, नुस्खे आजमाने के बाद भी आप लोगों को फ़ायदा नहीं मिला है तो यह नुस्खा आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग एक बार अंतिम तक ज़रूर देखिएगा और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को इसका असर बहुत ही जल्दी 3 से 4 दिनों में आपके चेहरे पर दिखने लगेगा और आपका चेहरा बेहद गोरा, ब्राइट, फेयर होने लगेगा। लड़के लड़कियाँ हर एक कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों इस नुस्खे में जो आपको सबसे पहली चीज़ लेनी है वो लेनी है आप लगभग, ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस नुस्खे को आप लोग अंतिम तक, यह आपके चेहरे को गोरा बनाने के लिए बहुत कारगर है और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं लेकर के आया हूँ जो चेहरे को गोरा करने के लिए, साफ़ करने के लिए कई सालों से इस्तेमाल की जा रही हैं और जो बहुत सुरक्षित भी हैं और नेचुरल भी हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको लगभग 1 चम्मच के आसपास सबसे पहले आपको बेसन लेना है। उसके बाद दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं नींबू लें, उस नींबू को आप लोग इस तरीके से काट लें। नींबू के अंदर ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, साइट्रिक एसिड पाया जाता है जो कालापन, मैल को उखाड़ कर फेंक कर आपके चेहरे को साफ करने में बहुत मदद करता है। तो लगभग हम इसमें 1 चम्मच के आसपास दोस्तों नींबू का जो रस है वो निचोड़ लेंगे। नींबू का रस बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद हमें इसमें जो अगली चीज़ मिलानी है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा दोस्तों आप लोग, लड़के लड़कियाँ हर एक कोई के लिए यह फ़ायदेमंद है। इसके बाद हम इसमें जो अगली चीज़ मिलाएंगे वो लगभग इतनी मात्रा आपको लेनी है और यह है दोस्तों ऑरेंज जेल। यह ऑरेंज जेल है, संतरे का जेल, बहुत सारी कंपनियां बनाती है, आप किसी भी कंपनी का ऑरेंज जेल खरीद लें। यह हमारे स्किन को टोन करने के लिए, ब्राइटन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और हम और जो बेसन है स्किन वाइटनिंग के लिए और स्किन को फेयर करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो सचमुच अपने चेहरे को आप लोग साफ़ करना चाहते हैं तो आज के इस नुस्खे को आप लोग अंतिम तक देखिएगा और इसे इस्तेमाल कीजिएगा। यह आपके चेहरे को गोरा करने के लिए बहुत फ़ायदा करेगा आप लोगों को। अब हमको आखिरी चीज़ इस नुस्खे में मिलानी है, ये आखिरी चीज़ है दोस्तों, यह एक मॉइस्चराइज़र है, ठीक है, यह एक मॉइस्चराइज़र है, यह है निविया क्रीम मॉइस्चराइज़र। तो आपको आसानी से निविया क्रीम मॉइस्चराइज़र मिल जाएगी, आपको लगभग, ज़्यादा नहीं, लगभग इतनी मात्रा आपको निविया क्रीम की मॉइस्चराइज़र की लेनी है। आप इससे ले लें और इन सब को दोस्तों इसे कैसे लगाना है कि आप लोगों को और फ़ायदा हो तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस तरीके से आप क्या करें, इन सब को आपस में मिक्स कर लें, ठीक है। मिक्स जब आप करेंगे तो इसका कलर जो है वो ऐसा हो जाएगा और यह और भी ज़्यादा थोड़ा सफ़ेद हो जाएगा और भी ज़्यादा खूबसूरत यह नुस्खा आपका पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो जितनी क्वांटिटी मैंने ली है उतनी ही क्वांटिटी आप लीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही, इतना ही, न ज़्यादा पतला न बहुत ज़्यादा हार्ड, आपको लगभग इसी टेक्स्चर का आपको पेस्ट बनाना है, इतना ही गाढ़ा आपको पेस्ट बनाना है और इसे ले करके आप अपने पूरे चेहरे पर एक पेस्ट की तरह, एक फेस पैक की तरह लगा लें। 1 घंटे के लिए आप इसे चेहरे पर लगा कर रखें, फिर आप अपने चेहरे को धो लें। आप पाएंगे दोस्तों कि आपका चेहरा बेहद गोरा, ब्राइट और फेयर लगने लगेगा।